इस साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव होने के पहले मध्य प्रदेश के सबसे बड़े कर्मचारी संगठन मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी महागठबंधन के प्रदेश अध्यक्ष उदित भदौरिया ने राजनीतिक दलों से बड़ी मांग की है। उन्होंने राजनीतिक दलों से मांग करते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश में वर्तमान और रिटायर्ड अधिकारी कर्मचारियों की संख्या मिलाकर लाखों में है और उनके परिवारजनों और मिलने वालों को मिलाकर करीब यह संख्या 2 करोड़ के पास पहुंच जाती है, जो मध्य प्रदेश में सरकार बनाने और बिगाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए उन्होंने मध्य प्रदेश के राजनीतिक दलों से राजनीति में प्रतिनिधित्व की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों के लिए केंद्र के समान महंगाई भत्ता बढ़ाकर 42% करने की मांग सरकार से की है और जल्द ही पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग भी सरकार से की है। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि जो सरकार पुरानी पेंशन को बहाल करने की बात करेगी, मध्य प्रदेश में उसी की सरकार बनेगी। बड़ा परसेंट ये जो है हमारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पिछले बजट में प्रस्ताव पारित करके रख लिया है, आदेश जारी करना है और इस इंतजार में थे कि भारत सरकार जब भी आदेश करती है उसके तत्काल बात कर देगी, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय शीघ्र आदेश जारी करने वाले हैं, यह है मंत्रालय सूत्रों से पता चला। पुरानी पेंशन बहाली तो अति आवश्यक है पूरे प्रदेश में, क्या पूरे देश में, और जो भी राजनीतिक दल इसका समर्थन करता है पुरानी पेंशन का, कर्मचारी वर्ग उसके साथ होगा। क्योंकि पुरानी पेंशन में एक और सुझाव था हमारा कि अगर कर्मचारियों का साथ चाहते हैं जिनकी संख्या 20 लाख के करीब है, परिवार मिला के 80 लाख होते हैं, तो इसमें अगर मूल वेतन 50% प्लस 70% मूल वेतन कर दो, उसको 50 का फार्मूला था पहले पेंशन बनाने का, उसको 70% प्लस महंगाई भत्ता दे दो तो कर्मचारी आँख बंद करके आपके साथ हो जाएगा। दूसरा, आपने पुरानी पेंशन की बात की तो इसमें पुरानी पेंशन के साथ साथ हमारे पदोन्नति के अवसर भी खोल दो। लाखों कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की प्रत्याशा में खोल दो, जो छत्तीसगढ़ ने किया, अन्य राज्यों ने भी किया है। मांगे और भी हैं, अतिथि शिक्षक 20-20 साल से काम कर रहे हैं, अतिथि विद्वान हैं, गुरुजी हैं, संविदा पर काम करने वाले उन्हें नियमित करो, जो स्थायी कर्मी हैं उनको पेंशन की पात्रता नहीं है, उन्हें अनुकंपा की पात्रता नहीं है, उनको शासकीय सेवकों के समान कर दो। जो नगरीय निकायों में अन्य विभागों में दैनिक वेतन भोगी 10,000 से कम वेतन पाते हैं उनको 10,000 से ऊपर वेतन दिया जाए। ऐसी अन्य ढेर सारी मांगे हैं, लेकिन चुनावी वर्ष में कर दो, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पूरा निवेदन है। और अभी अप्रैल के प्रथम सप्ताह में शायद, जैसा कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष महोदय ने बताया था, कि CM साहब बैठक लेंगे कर्मचारी संगठनों की, उसमें भी इस मुद्दे को हम उठाएंगे कि पुरानी पेंशन बहाल करो, किसी भी रास्ते से पदोन्नति के अवसर तत्काल सर जारी की जाए, क्योंकि पदोन्नति के अवसर नहीं मिलने से आदमी परेशान रहता है, रिटायरमेंट के बाद मायूस रहता है। वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र मालिक के साथ हेमंत मालिक की रिपोर्ट।